हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स और मैं हूँ रिचा। तो आज दुर्ग में थर्ड डे है जब धूप नहीं निकला है और बारिश हो रही है। वैसे तो आपको 2 दिन से मैं बता ही रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ठंड ऐसे ही पड़ने वाली है। मैंने पहना हुआ है ये क्रीम कलर का टॉप। आप लोग प्लीज़ ये मत समझना कि मैंने कोई पिलो कवर पहना हुआ है, क्योंकि इस टॉप का जो प्रिंट है वो पिलो कवर के जैसा है, बट पिलो कवर नहीं है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो इसका लुक कुछ ऐसा है। आई थिंक देखने में उतना बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो कि सेम प्रिंट है। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने बाल बना लेती हूँ। जस्ट अभी मैं नहा के पूजा करके आ चुकी हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना स्किन केयर करती हूँ। हो गई हूँ मैं रेडी और मैंने लगाई है ऑरेंज कलर की लिपस्टिक, बट मैंने लिप बाम के ऊपर लगाई है इसलिए बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है, जो कि घर में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कलर है। बाल कुछ ऐसे कर लिए हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने परसों बाल धोया था, बट एक दिन के बाद ही मेरे हेयर पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग आ जाती है। आप देख सकते हो कितना चिपक जाता है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे साथ ऐसा है कि मेरे बाल 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं। सॉरी, 2 दिन में नहीं, सिर्फ 1 दिन में ही खराब हो जाते हैं। मैंने परसों धोया, कल मेरे बाल थोड़े नॉर्मल रहेंगे, बट आज आप देख सकते हो कुछ ऐसे हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं करी है। तो मैंने सीधी मांग निकाली है, वो मैं थोड़ा साइड मांग कर देती हूँ, तो शायद थोड़े से बाल मेरे अच्छे लगेंगे। ऐसे ओपन करके भी रख सकती हूँ, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारा घर का काम मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ, तो खाना बनाते टाइम या फिर और कुछ भी काम करते समय बाल ओपन करना बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे आदत हो गई है कि मैं बाल दिन भर घर पे बांध के ही रखती हूँ। अदरवाइज जब मुझे कोई काम नहीं होता तो मैं हेयर ओपन कर लेती हूँ। फिलहाल तो मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो इसलिए मुझे हेयर बांध के रखना पड़ेगा। तो गाइस, आई एम डन। दिन भर के लिए मेरे बाल भी बन गए और मेरा स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट हो गया है। ये वाले रूम की हालत आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि ये सारे कपड़े ना अच्छे से सूखे नहीं थे, तो बस थोड़ा सा ही सूखना बाकी है। तो मैंने इसे यहाँ पर सुखा दिया है थोड़ी देर के लिए, और फैन भी बहुत तेज़ कर दिया है, जिसकी आवाज़ भी आपको आ ही रही होगी। हैं जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी पूरे धुल चुके हैं और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी, और अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो सबके घर में तो मटर की सब्ज़ी बन ही रही होगी। मटर अभी अभी आया है, इसीलिए हर सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा सा मटर डाल ही देती हूँ। और अगर आप लोगों को आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे रीचा मेहरा शॉर्ट्स चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने उस चैनल पे अपलोड कर दिया है। गाइस, आलू मटर की सब्ज़ी बन चुकी है और आज मैं राइस नहीं बनाने वाली, तो मैं जल्दी जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ और अपना किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ बन चुकी हैं। कपड़ों को सूखने डाले हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो मैंने जाके देखा तो पूरे कपड़े सूख चुके थे। तो मैंने सोचा कि बाद में फ़ोल्ड करने से अच्छा मैं जल्दी जल्दी से कपड़े फ़ोल्ड करके भी रख देती हूँ। मुझे घर में जो भी काम सामने दिखता है वो सब काम मैं जल्दी जल्दी से पहले ख़त्म करते जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई भी काम के लिए टाइम फिक्स नहीं करती कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। मुझे जो भी काम सामने दिखते जाता है मैं वो कंप्लीट करते जाती हूँ। हाय गाइस, आप मुझे चश्मे में फ़र्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं 2 साल पहले जॉब करती थी तब मुझे पता चला था कि मेरी जो एक आई है उसमें -0.5 पावर मुझे लगा हुआ है। मुझे स्पेशली बोला गया था कि जब भी मैं मोबाइल या फिर टीवी देखती हूँ तो ये चश्मा मुझे लगाना है, बट मैं नहीं लगाती हूँ। बट जब भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मैं चश्मा लगा लेती हूँ। तो अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं व्लॉग 2 दिन से डाल रही हूँ, तो एडिटिंग वगैरह करने से मेरे सर में थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे चश्मा लगा हुआ है। आप लोगों को कभी मैं चश्मा लगाए हुए दिखी और आप लोगों को लगा कि मैंने ऐसे ही लगाया है, तो मैं यही क्लियर करना चाहती थी कि नहीं, मुझे थोड़ा सा पावर वाला चश्मा लगा हुआ है। तो आज मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बट अभी लाइट गोल हो गई थी और करीबन 1 घंटे के बाद आई है, शायद बारिश के कारण गोल हो गई होगी। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज।